वो चीजें कर रहा था एंड इट्स ग्रेट दैट आरएमटी वाला चीज हो गया बिकॉज टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता था वो विद रिगार्ड्स टू हिज टीम्स पेमेंट एंड ऑल ऑफ दैट एंड इट्स ग्लैड दैट मेजरली बिकॉज ऑफ गोल्डीबाज इंटरवेंशन द आरएमटी डील कुड गो थ्रू and then eventually I took over last 4-5 din mein and then it's a done deal and I think that's great uske baad baki to kuch dikkat nahi yaar matlab kal I think before his stream hum log saath mein hi the main aur scout aur kashvi chilling and chatting kar rahe the dekhiye guys har industry mein kuch bad players hote hain but luckily we have made more friends than we have made enemies main is baar naam nahi lunga par point ye hai ki देर आर अ फ्यू पीपल जो अब रेलिवेंट नहीं है एकदम भी दो तीन बार उंगली कर दिए अगली बार मेरे घर की तरफ आंख उठाएंगे मैं बोल रहा हूँ ये चेतावनी है आप जो भी हो मैं इतनी बुरी फाड़ूंगा कि आप लोग कहीं के नहीं रहोगे ऑलरेडी आप लोग कहीं के नहीं हो ऑलरेडी आप स्ट्रगल कर रहे हो ऑलरेडी आपके इंडस्ट्री में नाम खराब है प्लीज मेरे घर पर आंख उठा के मत देखो ठीक है मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं नाम ले लूंगा तो फिर आपको लोग कहीं मतलब कहीं के नहीं छोड़ेंगे एक और एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बात बोलूंगा कि कब से आपकी हरकतें चलती आई है ठीक है एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी क्रिएटर और समथिंग ठीक है दिस आर फॉर पीपल हु डोंट इवन एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री एनी मोर बट आर देयर टू नो इट्स नॉट रिलेटेड टू अल्ट्रॉन बेफालतू नाम स्पैम मत करो अल्ट्रॉन का तो मुझे पता भी नहीं किससे क्या लेना देना है बट आई थिंक जब इसके हाईलाइट बनेंगे ऑब्वियसली सब देखेंगे क्योंकि उन लोग बैठे थे पॉपकॉर्न लेके यू नो हमारे लाइफ में बौचाल ला देंगे बट सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम कीप ट्राइंग क्योंकि आपके लाइफ में बौचाल बहुत जल्दी आएगी और सब बात रही काश दीदी के अपडेट के लिए काश दीदी के स्ट्रीम का वेट कीजिए काश दीदी आएगी आपको बताएगी बताने के लिए कुछ है नहीं पर फिर भी बताएगी पर आप काश दीदी के लिए रुकिए ठीक है अनफॉर्चुनेटली आप लोग के लिए मसाला नहीं है मेरे पास क्या मसाला दूंगा कुछ मसाला कुछ हुआ ही नहीं मतलब सिंपल यार स्काउट ऑलमोस्ट लास्ट एक डेढ़ साल से टीएक्स पे ही फोकस कर रहा था हिम लिविंग एसेट्यूएल इज समथिंग दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि एसेट्यूएल में कोई इम्पैक्ट या उसके लाइफ में कोई इम्पैक्ट इट्स वेरी सो नॉर्मल मतलब ये होना ही था कभी ना कभी अगर हम लोग या तो ऐसा होता कि हम लोग मिलकर टीएक्स करते जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज यू कैनॉट स्टे इन एसेट्यूएल इज लाइक एक और में लाइनअप नहीं रह सकते एंड भाई मतलब पेपर वर्क में भी झोलझाल नहीं कर सकते तो इट्स ग्रेट ना मतलब भाई रोहित भाई अपने भाई है आपको पता ही है गोल्डी भाई रोहित भाई कितने अच्छे दोस्त है ये पूरी चीज भी उनके देख रेख में ही हुआ है सो इट्स फाइन इट्स एवरीथिंग इज सो कल एक चीज जो थी विच आई स्पोक टू स्काउट ऑल्सो टूडे मॉर्निंग द अबाउट एन एंटायर गॉड लाइक बिट ठीक है देखिए फॉर अस गॉड लाइक विल ऑलवेज रिमेन राइवल्स कोई डाउट ही नहीं है हमारी कोई दोस्ती यारी है नहीं एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट कभी कंटेंट से बात हो जाती है कभी कभार उनके अचीवमेंट्स या हमें कुछ डिस्कस करना होता हो या मेरी हो जाती होगी या गुल्ली भाई की हो जाती होगी दे विल ऑलवेज बी आवर राइवल्स एज फार एज स्काउट ने कल स्ट्रीम पे जो भी बोला इट कुड बी बिकॉज ऑफ अ वेव ऑफ इमोशन ऑल्सो इनफैक्ट उसको भी ऐसा कुछ वो नहीं है ठीक है आपको हिस्ट्री ऑफ स्काउट एंड गॉड लाइक पता ही है ही वॉज देयर विद देम एंड देन बीच में बहुत बसोड़िया हुई है जहाँ पे वी हैव ऑलवेज स्टूड बाय हिम सो कल जो स्काउट ने बोला आई डोंट थिंक इट हैज मच रेलेवेंस एक बार उसने बोल दिया इट्स लाइक ही वाज इन अ पॉजिटिव मूड उसने बोला फ्यूचर में जो भी हो सकता हो बट अगर किसी भी फैन बेस को ये लग रहा है कि एसएटीयूएल के वजह से उसके पंगे थे तो एक बार हिस्ट्री में जाओ देखो टाइमलाइंस चीज़ों के तो आपको पता चल जाएगा एंड एज फार एज वी आर कंसर्न हमारे लिए दे आर ऑलवेज राइवल्स दे विल ऑलवेज बी एंड वैसे नाउ सिड इज बैक एज मैनेजर सो कुछ अच्छा होता तो दिख नहीं रहा मुझे राइवलरी में आप लोगों को पता ही है मर्सी हैज डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ 8-bit लाइनअप वी आर सुपर थैंकफुल मतलब मैं भी थैंकफुल इन फैक्ट गुल्डी भी थैंकफुल है टू जूसी एंड ऑल दे हैव बीन अ रियल लॉयल ग्रुप दे आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स दे आर लुकिंग फॉर अ डिफरेंट ऑर्ग बट आई गेस कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे हैव बीन रेगुलरली रीचिंग द फाइनल्स बट नॉट परफॉर्मिंग सो आई थिंक इट्स टाइम के क्या पता 8-bit ही जिंक्स हो तो अब उन लोग अपना नया ऑर्ग ढूंढ रहे हैं दे विल कंटिन्यू टू कम्पीट अंडर 8-bit जब तक उनको स्पॉन्सर्स नहीं मिल जाते सो एसएटीयूएल फैंस नाउ यू नो कि स्पोर्ट्स में आपको कहाँ फोकस करना है अभी तक आप लोग एक ही टीम पे कर रहे थे
अब आप लोग को थोड़ी हमारे जहाँ पे आपको ऐसे ट्यूबल आई कुछ सुन वो कंटिन्यू सपोर्ट करने मवी स्टिल कंप्लीटली होल हार्टेडली पार्ट ऑफ एसे ट्यूबल मैनेज बाय 8bit मैनेज बाय अस तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है. जो मवी और स्काउट का मैटर है वो उनका पर्सनल मैटर है. आई हैव नथिंग टू कमेंट. ठीक है. दे आर गुड दे हैव बीन गुड फ्रेंड्स सो दे शुड नो एंड दे शुड रिजॉल्व देमसेल्व्स. जो भी है आई हैव नथिंग टू कमेंट. एसे ट्यूबल डाउनफॉल स्टार्टेड. आजकल ये बहुत ट्रेंड कर रहे हो आप लोग ना. अरे वो सब कुछ नहीं है मंकी भाई. आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे डाउनफॉल में भी ना बाकी लोग से बहुत ज्यादा ऊपर. आई एम ग्लैड. मैं चाहता हूँ भगवान ऐसा डाउनफॉल बहुत हो. प्रोबेबली यस यू गाइस यू माइट बी राइट वी आर सीइंग दिस डाउनफॉल बट शायद आप लोग अभी प्रोबेबली स्पेशली दोज हु आर हियर टू ट्रोल. आप लोगों ने अभी 2023-24 से ईस्पोर्ट्स फॉलो करना शुरू किया है. 2021 में 22 में जो सोल एसेटियल ने टाइम देखा हुआ है वो तो यहाँ आसपास भी नहीं है. जो अभी डाउनफॉल जिसको हम डाउनफॉल मानते भी नहीं है. हाँ मैनेजमेंट हम लोग के एंड से कुछ चीजें स्लैक हो रही थी वो हम फिक्स करने में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हो जाएगी और बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सुनाई भी देने लग जाएगी. जैसे ताकि ने बोला दो दिन में एक इंटरनेशनल अनाउंसमेंट भी मैक्सिमम दो दिन तीन दिन के अंदर. मतलब उसमें थोड़ा सा ये हो जाए कि अगर थोड़ा सा हमें पब्लिशर से पंगा आ गया तो गड़बड़ हो जाए. बस पब्लिशर से पंगा. अरे मर्सी नहीं लीविंग यार. मर्सी इज लीविंग 8bit एज अ टीम. वो अब टीम नहीं ऑपरेट करेगा. एसेटियल को गिराने में ये जितने है ना लेफ्ट राइट जितने लेफ्ट राइट वाले मैं आपको बोल रहा हूँ आपके घर में बहुत सब तफाद आना पड़ेगा तो भी शायद एसेटियल से एक आध बंदा और निकाल पाए. हम बोल दिया गुल्डी भाई आप तक म्यूटेड था कि हम इस बार नाम नहीं लिए. अगला बार हम नाम लेगा. इस बार हम नाम नहीं लिए स्काउट को भी मतलब किस हद तक किसके हाथ है इन चीजों को करने में. एंड भाई कुछ कास्टर्स से और लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग का अच्छा रोटी पानी चल रहा है टीम्स के बारे में प्रेडिक्शन वेडिक्शन देंगे कृपया करके इंटरनल मैटर में ना घुसे हम लोग के. हाँ. आज मैं देख रहा था कुछ कास्टर्स अभी तक हम इज्जत करते हैं कास्टर्स की ना कभी कुछ बोलते तो बहुत स्ट्रीम करके काशवी लीविंग काशवी ज्वाइनिंग एससीसी इन आरएनटी स्काउट ज्वाइनिंग इन आरएनटी. तो भाई बता देते हैं आपको सिंपल सा फंडा है. रोहित भाई एज रेवेनेंट बीजीएमआई का जो उनका पार्ट है राइट ही इज स्पॉन्सरिंग टीएक्स सो इट विल बी आरएनटी एक्स टीएक्स which will be a single BGMI unit for both the orgs. Right. मतलब RNT का और कोई lineup नहीं रहेगी. हाँ. जो एक single unit की तरह run करेंगे. Apart from that, और Revenant will manage Scout. Apart from that, there is no other things happening left and right. Right. As someone who have managed Scout for, you know, us who have managed Scout for the last 3.5 years, obviously it feels bad. To let him go from not just manage professionally हाँ but personally also a lot of places मतलब ये तो आप लोग को चलो मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है. it obviously feels bad. मैं कोई भी हालत में इससे खुश नहीं हूँ कि scout has left 8bit. कोई भी हालत में खुश नहीं हूँ but he knows that we'll always be around. but I think it's great to see you know one of our creators one of our top creators do so well in life and make such moves. it's obviously great and I'm proud of it. I'm feeling bad but I'm proud of it. is what I'm trying to explain. भाई भाई किरमाटा रिवील 8 तारीख आज 5 है कल वो आ जाएगा परसों उसका शूट कर देंगे 8 तारीख को उसको रिवील कर देंगे और सौम्य का भी मैंने बता दिया अनाउंसमेंट होना ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी हैप्पी जो भी हुआ बिकॉज इट वाज फॉर हैप्पीनेस एंड बेटरमेंट ऑफ स्काउट. ठीक है. उसका डिसीजन था कि ही वांटेड टू गो सोलो एंड ग्रो करने के लिए तो आई थिंक उसका डिसीजन हमारा रिस्पेक्ट करना फर्ज बनता है. वी कांट कीप हिम हैंगिंग एंड with all due respect with all सारी रजामंदियों के साथ जो स्काउट ने आप लोग बोल रहे थे कि डर नहीं है वो कुछ आप लोग अभी बोल रहे थे कि तो थोड़ा भावनाओं में ट्विटर में वो भावनाओं में बह भी गया था और डर की बात रही तो भाई वो टीएक्स में रहे या वो आरएनटी में रहे या वो कॉन्टैक्ट चले जाए उसको मेरे को उसको गाली देने का हक तुम तो 2023-24 वाले तो नहीं तुम्हें पता होगा बट मैंने आज भी उसको फोन पे ही बोला कि हरकतों से अगर किस दिन मुझे दिखा लेफ्ट राइट करता तो ऐसे ही गाली खाएगा जैसे अभी तक खाता था. देखो बोथ आर एडल्ट बोथ आर ग्रोन एज बॉयज बोथ आर मैच्योर इनफ टू हैंडल देयर ओन बीफ. आपस में देखो दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हुए. अगर दोनों आउटसाइडर होते तो हम कुछ राय भी देते तो आई थिंक वो दोनों आपस में सॉल्व कर लेंगे. yes. तो ज्यादा अच्छा है.